ऐसे लोगों को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते, हमने देश दे दिया। ऐसे लोगों को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते, हमने देश दे दिया। मोदी जी के ऊपर खुद इतने केस लगे होंगे, उनको जान बचानी खा रही। इतना लोभ लालच क्यों हो गया है? अब घर जाके बैठो ना, सारे बाबा पंडित सारे सत्ता में आ गए तो बाकी लोग क्या करेंगे? मोदी को भगाओ, पूरी तरह से फेल हो चुकी है भाजपा सरकार। भाजपा दलित विरोधी है यार, है महिला सुरक्षित मोदी सरकार के राज में, कंस मामा से भी ज्यादा बदतर है। साथियों नमस्कार, जिस तरह से मध्य प्रदेश के सागर में जो दलित के साथ घटना हुई है उस पर अभी तक कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है और लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिस दलित समाज की बड़ी सम्मान किया जाता है चुनाव के वक्त में, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार मामा जी पर जिस समय जिस तरह से लोग उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथ बेबाकी से बोलने वाली हैं प्रतिभा सिंह, जो कि हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हैं। क्या लगता है मणिपुर के बाद मध्य प्रदेश में एक महिला को प्रतिनिधि निर्वस्त कर दिया गया? क्या हमारे देश में जो नारी सम्मान की बात हो रही है लगातार, किस तरह से देखती हूँ? जय हिंद आप सभी को। जैसा कि मणिपुर की घटना से अभी पूरा देश उभरा ही नहीं था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी और महिलाओं के साथ, एक महिला के साथ इतनी बर्बरता से दिल झंझोड़ दिया था उस घटना ने पूरे देश का। और अभी देश उस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि दोबारा से मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना सुनने को मिल रही है। वहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। उसके बावजूद अभी कल ही मन की बात के एपिसोड में आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि महिलाओं बहुत ज़्यादा हमारे भारत में सुरक्षित हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में वो बात करते हैं। लेकिन वो यहाँ बात करते हैं और वहाँ दूसरी महिला के साथ इस तरह की हरकत हुई, उसके बच्चे को मार दिया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें की गई। मैं जानना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि ये कौन सा ऐसा राज्य, ये ऐसा राम राज्य कौन सा लेके आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार होते जा रहे हैं, एक महिला को घर से निकलते में डर लगता है और इतना ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, इतना कभी हमने पहले सुना भी नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनको मामा जी बोला जाता है, वो मामा जी कंस मामा से भी ज़्यादा बदतर है। ऐसे मामा जी का होने का क्या फ़ायदा, उनको बोला जाता है, सारे गलत काम उनके राज्य में ही तो हो रहे हैं। आप ये बताइए कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी कहाँ थे वो मामा जी? अब तक उन्होंने इस बारे में, इस चीज़ को संज्ञान में क्यों नहीं लिया, कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया अभी तक, बताइए आप। कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर इस तरह से कोई भी अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उनका बलात्कार होता है, ये लोग उन चीज़ों को, उन केसों को दबा देते हैं। अभी हमारी बच्चियाँ यहाँ पर खिलाड़ी एथलीट यहाँ बैठी रहीं, उनके साथ रात दिन इन्होंने परेशान करने का काम करा, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। वहाँ पर क्या हुआ है मणिपुर में, वहाँ पर भी यही कहानी कही गई, एक ऐसा देशभक्त जिसने देश को के लिए मतलब सरहदों पर लड़ाइयाँ लड़ी, भारत माँ की रक्षा की और इतना ज़्यादा वो उसको परेशान कर दिया कि वो अपनी अपनी खुद की बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसी दरिंदगी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के शासन में हो रही है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहीं पर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप ये बताइए कि कहाँ है महिला सुरक्षित मोदी सरकार के राज में? हम ये जानना चाहते हैं मोदी जी से कि आपने क्या ऐसा काम किया है महिलाओं के लिए, जो आप ये इतने भाषण में बढ़ चढ़ कर ये चीज़ें बताते हो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये काम किया है, महिला सशक्तिकरण हो गया है, महिला आज बहुत आगे बढ़ गई, आज तो महिलाओं के हालात बस से बदतर हो गए हैं आपके राज्य में। ये कहा जा रहा है कि जैसे एक घटना पीछे भी आई थी मध्य प्रदेश में दलित की, तो वहाँ शिवराज सिंह ने जाके खुद पैर धोए थे। उस घटना का भी खंडन हुआ था, आपको पता है उस कि वो जो इन्होंने पैर धोए थे वो है ही नहीं, उसने खुद बताया कि भैया मैं नहीं हूँ, ये किसी और को उन्होंने बुला के उसको पैर धोने वाली प्रतिक्रिया करी, तो ये जानबूझ के, और वो भी एक उच्च जाति का व्यक्ति था। ये लोग टोटली दलित विरोधी हैं और दलितों के साथ हमेशा से इन्होंने अत्याचार किया और अभी भी ये चीज़ इनकी सुचारू रूप से चल रही है। कैसे कह सकते हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, ये तो आरोप लगा नहीं और बहुत बड़ा, बिल्कुल भाजपा दलित विरोधी है। आप ये देखिए ना, जब भी ऐसे अत्याचार होते हैं हमारी बच्चियों के साथ, आए दिन इस तरह की घटना सुनने में आती है और यही पता चलता है कि वो दलित थी महिला, वो दलित था बच्चा। कभी मटके से पानी पीने के ऊपर मेघरा इंद्र जो था लड़का, उसको देखिए मार दिया गया है। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं हमारे देश में, बराबर होती चली जा रही हैं और ये सब भाजपा के शासनकाल में ही हो रही हैं, तो ये भाजपा हुई ना दलित विरोधी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की घटना कैसे देखते हो, जिस तरह एक बच्चे ने पहाड़ा नहीं सुना पाया उसको मारा गया, टीचर ने पिटवाया, इतनी ज़्यादा शर्मनाक और खौफनाक मंजर है वो जो हमने देखा कि उस बच्चे को वो टीचर बुला रही है और स्टूडेंट्स को कि आओ तुम भी मारो, वो
चांटा मार रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा हल्का चांटा मार दिया तो टीचर कहती है और जोर से मारो, इसकी पीठ पे मारो। लानत है ऐसी टीचर पर जो जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें भर रहे हैं। अभी से ही बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जातिवाद उनको सिखाया जा रहा है। स्कूल में बच्चा किस लिए जाता है? बच्चे को ये चीज़ें अगर हम सिखाए जाएंगे, उनके दिमाग में विष घोलेंगे तो आगे आने वाला जो जनरेशन है वो तो खराब हो ही जाएगी। ऐसी टीचरों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। लेकिन संविधान में तो समान शिक्षा की बात की गई है। संविधान में समान शिक्षा की बात की गई है, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है जातिवाद की राजनीति के अलावा कुछ और काम नहीं हुआ देश में। आप देखिए देश में शिक्षा के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर लोग पढ़ेंगे, दलित का बच्चा पढ़ेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो इनसे सवाल करेंगे। इसलिए ये लोग नहीं चाहते शिक्षा के ऊपर बात करना, स्वास्थ्य के ऊपर बात करना, रोजगार के ऊपर बात करना या महिला सुरक्षा के ऊपर बात करना। ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है भाजपा सरकार, और इन्हें नजर आ रहा है कि अब हमारे बर्बादी के जो टाइम है ना वो नजदीक आ रहा है, तो इसलिए ये इस तरह की घटनाएं करवाएंगे। बर्बादी कहां, तो 24 में फिर आ रहे प्रधानमंत्री, कोई नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा है, उनको शेख सिल्ली वाले सपने नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी को पता है कि मेरी जड़ें पूरी तरह से ढीली हो गई हैं, वो हिल गई उनकी जड़ें, और अब उनके आराम करने का समय आ चुका है। तो उनको अब घर जाके, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, घर जाके आराम करना चाहिए। देश को बर्बाद जितना करना था वो कर चुके हैं। डंका बजना अभी देखा, प्रियंका मोदी जी का डंका बजा, वहाँ लोगों ने स्वागत किया। कितनी जगह मोदी जी जाते हैं वहाँ पर लोग देखने को पसंद भी नहीं करते इन्हें, और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, वो न्यूज़ तो कभी नहीं दिखाते आप लोग, वो भी तो दिखानी चाहिए। अरे रोज दो चार लोग नारे लगाते हैं, उनको क्या ऐसा है? पूरे देश में देखिए, देश में अगर आप ट्रायल चला दो ना तो आपको 90% लोग मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र बाबू ने काम किया ही क्या है आप ये बताओ? देश को बर्बाद करने के अलावा, कर्जदार करने के अलावा, देश में देखो किसानों ने कितनी आत्महत्या की, आज भी युवा बेरोजगारी की वजह से फांसी लगा रहा है। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ता है? नोटबंदी में कितने लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी में तो चल रहा है कि मोदी मोदी हो रही चारों तरफ, कहीं मोदी मोदी नहीं हो रही, हर आदमी कह रहा है मोदी को भगाओ, सब जगह ये कहानी चल रही है। लेकिन ये गोदी मीडिया जो है ये दिखाने को तैयार ही नहीं है कि जमीनी सच्चाई क्या है। ये तो शुक्र है आपके जैसे कुछ जो पत्रकार हैं जो अच्छी सच्चाई दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है। कह रहे चांद पे भी मोदी मोदी हो रही है, वो कौन सी सरकार में चलाया गया था चंद्रयान 3 का वो, और आज मोदी जी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। किसी भी जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की, किसी की भी फोटो आपको कहीं न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ मोदी मोदी, अनपढ़ बच्चा बस्ते भारी वाली बात चल रही है, वो कुछ नहीं है। अब देश को आगे बढ़ने दो। मोदी जी आपसे अनुरोध है, जब आपसे देश नहीं चल रहा तो आप घर बैठ जाओ। अरे मोदी जी का तो त्याग है, मोदी जी का त्याग किया है। क्या त्याग है? बीवी को छोड़ देना ये त्याग है? आप बताइए। अरे देश हित में सब छोड़ रखा उन्होंने। देश हित में तो जो भी काम करेगा वो अपनी बीवी बच्चे छोड़ दे, जब वो अपना घर परिवार नहीं चलाया जाएगा देश क्या चलाएगा? और देश के इसीलिए देश का सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये देख लिया था कि ये अपना घर ढंग से नहीं चला पा रहा, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके बावजूद भी मोदी जी के हाथ में देश दे दिया, वही हाल हुआ। जब घर ढंग से नहीं चल पाया वहाँ पे फेलियर हो गए, अब देश ढंग से नहीं चल रहा यहाँ पे फेलियर हो गए। आपको पता है ऐसे लोगों को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते, हमने देश दे दिया, तो आज उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अच्छा बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात जब अभी चल रही थी चर्चा की, एक बच्चे को एक टीचर द्वारा, तो वहाँ तो बुलडोजर चलता है, वहाँ तो बाबा जी की सरकार है। बाबा जी की सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों पे चलती है जिनसे उन्हें दुश्मनी जो है ना अपनी निकालनी होती है। अगर कोई ऐसा केस फंस गया तो वहाँ बुलडोजर चल जाता है, बाकी वहाँ पर जितना कुछ गलत हो रहा है। अब इस टीचर को अभी तक इसके ऊपर संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, इस टीचर को बताइए आप, उस बच्चे के ऊपर। ये तो एक घटना नजर आ गई कि किसी ने कैमरे में वीडियो बना ली और ये पता चल गया कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा। पता नहीं कितने सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। अगर वो बच्चा मुस्लिम है तो क्या उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं है? आप बताइए। और ऐसा अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, इन्होंने सिर्फ समाज को जातियों में बांटने का काम किया है। पहले सभी जाति धर्म के लोग कितने प्यार मोहब्बत से रहते थे, आज भी पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है, लेकिन ये जानबूझ के इलेक्शन आ रहा है तो उसको लोगों को ना आपस में भिड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जातिवाद पे तो इन्हें इलेक्शन लड़ना है, इनके पास विकास के तो कोई मुद्दे है नहीं। क्या लगता है 2024 के लिए तैयारी है? 2024 की कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन सब कुछ खराब है इनका, कुछ नहीं होना। इस बार भाजपा को पब्लिक ये दिखा देगी कि तुम फेल हो चुके हो और तुमने कुछ नहीं करा, तो इसलिए तुम्हें ये डबल अंडा मिलेगा। अच्छा हम वहीं आते जहाँ से चले थे, मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है, किस तरह की मांग करते हो आपकी, उस महिला को किस तरह न्याय मिलेगा? हम सभी लोग जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि उस महिला को, उस महिला के साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, और दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग इतना टाइम लगा देते हैं न्याय देने में कि न्याय लेने वाला जो होता है बेचारा, वो तो आधे उसकी जिंदगी ऐसी बर्बाद हो चुकी होती है। आज उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी औलाद खोई है, बताइए आप।
क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उसमें है मुख्य आरोपी है वो सरपंच पति बिल्कुल है। बिल्कुल सरपंच पति है और वो उच्च जाति से आते हैं जिसकी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा यही दिखाया जा रहा है सब जगह कि भाई ये जो है दलित समाज के लोग हैं तो इनको दबाओ, और जितने उच्च जाति के लोग हैं वो लोग इनके ऊपर जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको रात दिन शोषण किया जा रहा है, उनसे दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी कंप्लेंट भी वापस लो, कुछ मत करो। ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं, जनता कहती है, लेकिन चुनाव के समय भूल जाते हैं लोग क्या? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये लोग चुनाव के समय इस तरह की हिंदू मुस्लिम लड़ाई दंगे झगड़े ऐसे करवा देते हैं जिसकी वजह से जनता समझ नहीं पाती कि क्या करें क्या करें। अभी आप देखना जैसे चुनाव आएंगे, चुनाव आते आते और ज़्यादा, जैसे आपने देखा नूह में इतना ज़्यादा इन्होंने हंगामा करवाया, ऐसे अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है इन लोगों को, ये इतने हंगामे करवा देंगे कि आम आदमी को सोचने की जो शक्ति है ना उसको ही ख़त्म कर देते हैं दंगे करा करा के। समझ में ही नहीं आता कि बंदा करे क्या। लेकिन अब जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है, बहुत सोच समझ के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बिल्कुल वोट देंगे, और ये जो सत्ता में बैठी है जो भाजपा की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वह आम जनता है, आम लोग हैं। वो सभी लोग बड़ी समझदारी का परिचय देकर भाजपा को हराएंगे और एक हमारे भारत में एक बहुत अच्छी सरकार आएगी जिसकी लोग कल्पना कर रहे हैं, जो लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं कि ये लोग जाएंगे तभी कुछ अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन कहा जाए 2047 तक मोदी जी रहेंगे, अमित शाह जी ने कहा। देखिए ये तो जुमलेबाजी शुरू से करते आए, आपको पता है इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम की डिग्री है, वो है जुमलेबाजी। तो ये जुमलेबाजी इन्होंने कर दी, इनके करने से क्या होता है? इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी, 15 लाख खाते में आएंगे, आए क्या? इतने लोगों को रोजगार देंगे, दिया? डीजल पेट्रोल 45-40 रुपये हो जाएगा, हुआ क्या? ये सारी जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है, और ये परेशान है इसलिए जानबूझ के बस अब तुक्के फिट कर रहे हैं 47 तक हम रहेंगे। अरे तो खुद गा दो, फकीर आदमी है लेकिन देश सेवा कर रहे हैं। ऐसा है, देश को नहीं चाहिए ना ऐसे सेवा? देश को सेवा किसी पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत है, देश को जो अच्छा पढ़ा लिखा आए, संपन्न परिवार से आए, जिसकी बीवी बच्चे उसके साथ हों, जो कुछ गलत करने से पहले भी 100 बार सोचे, ऐसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है। अरे पढ़े लिखे की बात आप मत बोलो, क्योंकि एक टीचर ने बोल दिया था पढ़ा, उसकी नौकरी चली गई। अरे तो हमारी कौन सी नौकरी है? हमारा तो सिंपल अपना कारोबार है, छोटा धंधा करते हैं। ऊपर भी केस कर दिया, हमारे ऊपर केस कर देंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं डरते उनके केस से। हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम आएगा मोदी जी के ऊपर खुद इतने केस लगेंगे उनको जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मोदी जी पे एक बार सत्ता जाने दो, कौन करेगा मोदी जी पे केस? ऐसा है, ये सत्ता का ही तो वो है जो हर इंसान को दबा दबा कर दबा धमका कर इन्होंने डरा रखा है इतना, जिसकी वजह से जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। उसको सस्पेंड कर दो, उस पर ईडी भेज दो, उस पर सीबीआई भेज दो, उसके अलावा तो कुछ करा नहीं है। अपने काम बताए जाए ना नरेंद्र बाबू से कि तुम क्या करके दिखा रहे हो देश के लिए, तुमने एक काम बताओ अच्छा क्या किया? डंका बजा दिया, 5 किलो राशन दे रहे लोगों को, 5 किलो राशन दे रहे महिलाओं को फ्री, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं वो उसको पकाने के लिए जो गैस है वो 1150 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। बताओ वो 5 किलो राशन ज्यादा अच्छा है वो सिलेंडर ज्यादा अच्छा है? जो 400 रुपए का सिलेंडर तुमने कहाँ पहुँचा दिया? टमाटर क्या रेट बिक रहे हैं आपको पता है? महंगाई की इतनी हाहाकार हुई पड़ी है, इतने लोग परेशान हैं इस सत्ता के आने के बाद कि अच्छे दिन की जगह अब ये सोच रहे हैं अच्छे दिन कब जाएंगे, हम तो पहले ही खुश थे। कोई खुश नहीं है इस भाजपा सरकार से, तो इसलिए अब इनका अंत निश्चित है, क्योंकि तो इन्होंने के कार्यकर्ता तो अभी भी तालियां बजा रहे हैं। वो गोबर भक्त जो है ना जिनको सोचने की शक्ति नहीं है वो ही ताली बजा रहे हैं, बाकी सारे लोग तो खुद परेशान है, खुद कह रहे हैं भाजपा के लोग इसने अंत की मचा दी। तो कल देखा मन की बात में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें मोदी जी ने कही, मन की बात में एक भी बात ऐसी नहीं जो देश हित में हो। महिलाओं के ऊपर वो इतना अच्छा बोल रहे थे, वहीं महिला के साथ अत्याचार होता, वहीं उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, वहीं दलित उन्होंने कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, खिलाड़ी हमारे देश की गौरव थी तो वो बेटियां, उनको क्यों नहीं दिया? ब्रजभूषण कैसे घूम रहा अभी तक? क्यों नहीं उन लड़कियों के साथ न्याय किया गया? वो रो रो के चीख चीख के चिल्लाती रही लेकिन नहीं सुना, बहरे हो गए थे क्या उस टाइम? इस चीज़ का दुख दर्द उसी को पता होता जिसकी खुद की बेटियां होती हैं। बेटी बचाओ का नारा देने वाले इसीलिए उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था कि इनके आने के बाद बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी, और वही हो रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। तो साथियों ये थी प्रतिभा सिंह जी, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा, इनके निजी विचार थे, और इन्होंने कहा कि 2024 में परिवर्तन होगा और जनता भाजपा को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। धन्यवाद।